हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 8 के, और 5 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 6 नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले क्लास आप कंटिन्यू देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आज अपन 6 नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 डिग्री है, और आपको ए बी भी दिया गया 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। तो बी सी और ए सी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, दिया है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। वह एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री ज्ञात करना है। ज्ञात करना है BC, AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे थीटा है, इसमें रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर इसमें और इसमें रिलेशन निकाल लेंगे, चलेगा। इसमें और इसमें रिलेशन किस में होता है, लाल बट्टी कक्का के अकॉर्डिंग एल ए एल डबल के ए लंब बटा आधार टेन में होता है। तो लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, थीटा यहां पे है, तो टेन 30 डिग्री, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी सी इज इक्वल टू 5√3, बी सी का मान कितना आएगा 5√3 यूनिट आएगा, इज दैट क्लियर। तो बी सी का मान कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर आएगा। यूनिट तो तब लगाते हैं तब हमें पता नहीं होता कि सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, मीटर में है, तो यहाँ पे पता है तो सेंटीमीटर ही लगाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से इसमें रिलेशन, ये कर्ण और ये लंब है, तो कर्ण और लंब साइन में रिलेशन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का मान कितना है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है 5 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है एसी है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये कितना होगा 5/AC, एसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे एसी का मान कितना आएगा 5 × 10 सेंटीमीटर एसी का मान आएगा। तो आपके पास दोनों भुजाओं की लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, और एक आ गई आपके पास में 5√3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू पे समकोण है, दिया है पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है, और तो हमें निकालना क्या है, ये दो एंगल बताने हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वही लिखते हैं स्टूडेंट। यहां पे दिया है, क्या दे रखा है पी क्यू, दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, व एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री ज्ञात करना है। एंगल क्यू पी आर यानी ये एंगल कोमा एंगल पी आर क्यू यानी ये एंगल, दोनों एंगल बताने हैं कितने कितने डिग्री के हैं। तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन होता है साइन में,
तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा यहां पे लिखेंगे साइन थीटा लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 6, कटेगा 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। थीटा एक बार आपने कहाँ पे लिया है, थीटा आपने यहाँ पे सपोज किया है, तो थीटा की जगह मैं आर यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। थीटा आपने यहाँ पे लिया है, तो थीटा अगर इस बिंदु पे लिया है तो दोनों ही बताने हैं ना, तो थीटा एक बार यहाँ पे होगा एक बार यहाँ पे। पहले आपने आर पे लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, ये कर्ण होगा, फिर थीटा यहाँ पे लोगे तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, इज दैट क्लियर। और ये आधार में कन्वर्ट हो जाएगा, आधार और कर्ण में रिलेशन आएगा कोस में, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। यहाँ पे भी मैं इस प्रकार से ही रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको आर में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो साइन आर इज इक्वल टू 1/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन की टर्म में 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आर बराबर कितना होगा 30 डिग्री होगा, आर बराबर कितना होगा, आर बराबर आपका होगा 30 डिग्री, इज दैट क्लियर। तो आर ये आपका 30 डिग्री होगा, कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। अब आपको ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पे इसमें रिलेशन, जब थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बनेगा तो देखिएगा ये आधार होगा, ये किसका होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा, आपके पास में पता ही है कर्ण चेंज नहीं होता, आधार और लंब ही चेंज होते हैं। अब देखिएगा कर्ण चेंज नहीं होता, लंब और आधार ही चेंज होते हैं, तो थीटा यहाँ पे आ गया, थीटा यहाँ पे आ गया, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो थीटा यहाँ पे पी पे है, तो कॉस पी लिख दूँ यहाँ से, कॉस पी इज इक्वल टू, और वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ये 90 डिग्री है, 30 डिग्री 60 डिग्री ही बचेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 6 है, काट देंगे 1/2 बचेगा, तो कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू 1/2 किसके, कॉस वाले टर्म में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, किसका होता है, कॉस 60 डिग्री का होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पी का रिजल्ट कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, पी का रिजल्ट कितना आएगा 60 डिग्री आंसर आएगा, और ये आपके पास में 30 डिग्री आंसर आएगा आर का मान। तो ये आपका 7वां एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, पी पे 60 डिग्री का, आर पे 30 डिग्री का। तो यहाँ से ऐसे ही बता सकते हैं कि एंगल कौन सा है, क्यू आर पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से ये बता सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज दैट क्लियर। एक ही बात है, दोनों ही इक्वल हैं, तो ये बता सकते हैं या ये बता सकते हैं। अब इसके बीच में अपन करेंगे 8 नंबर, ठीक है, इतनी जगह में आ जाएगा शायद। 8 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें हमें दिया गया है साइन ए माइनस में बी, क्या दिया गया है, साइन ए माइनस में बी इज इक्वल टू 1/2, और ये है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितने का है, 1/2 का है, 1/2 दिया गया है, जहाँ पे ए प्लस बी 0 डिग्री से ग्रेटर देन है, 90 डिग्री के इक्वल है और लेस देन है। ए का मान ग्रेटर देन बी से है, तो ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है, ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिएगा ये लेके चलते हैं, ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है, ये मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से देखें, समीकरण 1 से क्या बनेगा, साइन ए माइनस में बी
एक बटा दो है, साइन की टर्म में किसका मान होता है वैसे, ये मान होता है साइन 30 डिग्री का, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस में बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। वे कॉस क्या है, कॉस ए प्लस बी, और एक बटा दो कोस की टर्म में मान होता है कोस 60 डिग्री का, तो इसको अपन कॉस 60 डिग्री लिख दें, कॉस से कॉस कैंसिल, ए बटा ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो ए माइनस में बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐड किया कैंसिल हो गया, 2a आ गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a का मान कितना आएगा, 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 से निकाल दें, या इक्वेशन नंबर 3 से निकाल दें, या 4 से लिखेंगे समीकरण 4 से b इज इक्वल टू 60 डिग्री का है ना, 60 डिग्री माइनस में, ये 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, ए का मान इस साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा घटेगा, तो बी का मान कितना आएगा, 15 डिग्री, 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री आएगा, तो ये आपके पास में इसके राइट आंसर आ जाएंगे। ए और बी का मान ही निकालना था, ए का मान 45, बी का मान 15 डिग्री आएगा, इज दैट क्लियर। तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट हो चुके हैं, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 9 नंबर एग्जाम्पल, 9, 10, 11 इसे क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा 9 नंबर एग्जाम्पल में क्या करना है, दोनों के दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, नहीं एक दूसरे के पूरक एंगल है, क्या है, पूरक एंगल है, तो किसी एक को चेंज कर लूँ, इजी क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज ही बनेंगे इस प्रकार के एग्जाम्पल है। तो 10, 65 कब आएगा, जब 90 डिग्री में से अगर अपन 25 डिग्री को घटा दें तो कितना बचेगा, 65 डिग्री बचेगा, और नीचे है कॉट 25 डिग्री, जबकि अपन ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, क्या टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा, क्या होगा, कॉट थीटा होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट 25 डिग्री अपॉन में, ये क्या है, कॉट 25 डिग्री, काट देंगे कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1, कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, a का मान याद करना है, जब 3a एक न्यून कोण है 90 डिग्री से छोटा है, इसको चेंज कर लें साइन 3a को, इसको चेंज करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस में 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस में 26 डिग्री, कैसे, अपन जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा, थीटा का मान 3a है तो 3a आ गया, तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री माइनस में 3a इज इक्वल टू a माइनस में 26 डिग्री, a इस साइड में आएगा माइनस के 3a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस के 26 डिग्री, ये इस साइड में जाके माइनस के 90 डिग्री होगा, माइनस के 3 माइनस का a माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस के हैं तो माइनस का ही रहेगा, 26 प्लस में 90 डिग्री, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 100, कितना होगा, 116 डिग्री होगा, ठीक है, इससे ये काट देंगे माइनस से माइनस कर जाएगा, तो a का मान कितना होगा, 116 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 चौके 12 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 3 36 9 39 डिग्री, सॉरी 29 डिग्री, नहीं गलत कर दिया गया, 4 दूनी 8 बनेंगे
36, 9 चौका 36, हाँ सही है, 29 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा? 29 डिग्री होगा। ए का ही मान हमें बताना था। अब देखिएगा, इनका मान हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का बताना है, तो इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस में 85 कब आएगा, कितना निकाल दें, 85 आएगा तो 5 डिग्री निकाल दें, 90 बनेगा, तो प्लस में 90 में से 5 डिग्री निकाल दें, 85 आएगा। कॉस 75 डिग्री कब आएगा, जब 90 डिग्री में से अगर अपन 15 डिग्री निकाल दें, तो कॉट 90 माइनस में थीटा, फॉर्मूला लिखो, कॉट 90 डिग्री माइनस में थीटा, ये होता है टेन थीटा, और ये होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, कॉस ये होता है साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा कॉट 90 माइनस में थीटा, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 5 डिग्री, तो 5 टेन 5 डिग्री प्लस में कॉस, यानी ये साइन हो जाएगा साइन 15 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये आंसर आएगा। ए का मान 29 डिग्री, ये आंसर आएगा, और इसका आंसर ये आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 9 का एक मान आ गया, एग्जाम्पल नंबर 10 का मान 29 डिग्री, और ये आ गया 5 डिग्री और 15 डिग्री। इन तीनों का आप एक साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में अपन जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे, दिल से लाइक और शेयर करेंगे। चलेगा स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।